हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट। केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पेपर सेकेंड। इसका थर्ड यूनिट काफी दिनों से चल रहा था, आज इसको खत्म करते हैं। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट हमने सारे क्लासिफिकेशन के अनुसार मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड सभी पढ़ चुके हैं। आज अंतिम पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज हमने सपने इसका नाम सुना है, होता क्या है पहले बताते हैं। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑर्गेनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पूरी पृथ्वी में सभी जगह लगभग पाया जाता है। प्लांट किंगडम में, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों का जो संरचना होती है वो एक फाइबरस मटेरियल सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात तना जिसका बना होता है, पत्तियां जिसकी बनी होती है, टहनियां जिसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज और कहां कहां होता है? सेल वॉल, पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली में, सभी पौधों में पाया जाता है। ये कहां और कहां कहां पाया जाता है? ये कॉटन में पाया जाता है, वुड में पाया जाता है, हेम्प में, पेपर में और जूट में। ये जो सभी चीजें हैं, ये सारी पेपर, जूट, हेम्प, कॉटन, ये सभी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के गुण क्या है देखते हैं आज। सेलुलोज के गुण क्या क्या है? ये सफेद अक्रिस्टलीय स्वादहीन और गंधहीन पदार्थ है। सफेद अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अविलय होता है। ये जल में अविलय है, स्वादहीन है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा ले सेलुलोज की, तो एक जेलेटिनियस ट्रांसलूसेंट मास, मतलब अर्ध पारगम्य मास बनाता है, जिसमें कॉटन के अंदर सिल्की लश्कर आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है, चिकना और सॉफ्टनेस हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मर्सराइजेशन कहलाती है। और कॉटन को इस कॉटन का नाम है मर्सराइज्ड कॉटन। ये मर्सराइज्ड कॉटन कहते हैं, मार्केट में मर्सराइज्ड कॉटन के नाम से बिकता है, आपको मालूम ही, जिसके क्रीज नहीं टूटती, जिसके सल नहीं पड़ते, ऐसे कॉटन बनता है। लाइक स्टार्च, सेलुलोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च की तरह सेलुलोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। टोलन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन का अपचयन नहीं करता है, ओसाजोन नहीं बनाता है और ईस्ट से इसका फर्मेंटेशन भी नहीं होता है। ये स्टार्च की भांति ये आसानी से जल अपघटन नहीं होता, लेकिन अगर डाइल्यूट एस्टर के साथ इसको गर्म किया जाए हाई उच्च दाब के ऊपर, तो ये ग्लूकोज की इकाइयां देता है, डी ग्लूकोज की इकाई देता है। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज का अगर नाइट्रेशन करा तो सेलुलोज नाइट्रेट बनता है, जो एक विस्फोटक के रूप में काम आता है। विस्फोटक है, विस्फोटक के रूप में इसमें काम आता है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एग्जाम में आने वाली चीज है स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का अणु सूत्र वही C6H10O5 है, ये स्टार्च के जैसे ही होता है, अणु सूत्र तो सेम होता है। दाब और तनु H2SO4 की उपस्थिति में पूर्ण जल अपघटन करने पर डी ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती है। सेलुलोज का भी अगर जल अपघटन करें, सेलुलोज का जल अपघटन करें, जल अपघटन करें, पूर्ण जल अपघटन करें, तो इसकी भी ये भी डी ग्लूकोज इकाइयां देता है, अर्थात स्टार्च और सेलुलोज गर्म करने पर सेम इकाइयां देता है। स्टार्च को का हमने एसिटेलेशन किया तो इसका टेट्रा एसिटेट बनता है। एसिटेली करने पर इसका टेट्रा एसिटेट बनता है, सेलुलोज टेट्रा से, जिसका जल अपघटन करने पर सेलोबायोज देता है। मैं आपको बताऊं, सेलोबायोज एक डाइसेकेराइड है। ये डाइसेकेराइड कैसे होता है? दो मोनोसेकेराइड, दो ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़कर डाइसेकेराइड बनाती है। अतः सेलुलोज के अंदर डाइसेकेराइड सेलोबायोज इकाई से बना होता है। सेलोबायोज की संरचना भी माल्टोस की जैसी होती है। अगर आपको याद होगा तो माल्टोस में भी दो ग्लूकोज इकाइयां होती है, सेलिबायोज में भी दो ग्लूकोज इकाइयां होती है, तो फिर फर्क क्या? माल्टोस में दोनों जो ग्लूकोज इकाइयां होती है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बंधी होती है, अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज होता है। लेकिन सेलिबायोज में जो ग्लूकोज इकाइयां होती है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, अर्थात सेलिबायोज और जिससे बना है स्टार्च में बीटा डी ग्लूकोज होता है,
यहाँ पर एक बात हमको समझ में आई कि स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज है और जो सेलुलोज में ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज है तो दोनों में ग्लूकोज, लेकिन जो इनकी ग्लूकोज इकाइयों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था और सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अर्थात बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां आपस में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। दो ग्लूकोपाइरानोज इकाइयां जो एक इकाई का कार्बन वन दूसरी इकाई के कार्बन फोर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बड़ी होती है, जो जुड़ी होती है इस तरह से। अतः सेलुलोज में सभी ग्लूकोज इकाइयां परस्पर बीटा वन फोर डैश ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, अतः सेलुलोज डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय बहुलक, अर्थात इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स, बट द ग्लूकोज इज बीटा इन फॉर्म। अब इनको आपस में रेखीय संरचना बनाई ये हमने, अतः ग्लूकोज की संरचना ये फिशर संरचना है, ये फिशर संरचना ग्लूकोज की हमने फिशर संरचना बनाई, फिशर संरचना बनाई। फिशर संरचना को आप गौर से देखो, इसमें सेलीबायोस इकाई है, सेलीबायोस का ये मतलब होता है कि ये जो OH है ये बीटा है, ये यहाँ पर ये बीटा लिंक है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक देखें, ये बीटा कल ऐसा था अल्फा लिंक था, अल्फा बॉन्ड से जुड़ी हुई थी, आज ये बीटा लिंक से जुड़ा है। तो ये जो इकाइयां हैं वो आपस में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक से जुड़ी होती है, दिस बॉन्ड इज इट इज बीटा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, साइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये इस तरह से सेलुलोज की फिशर संरचना है। अब अपन बात करते हैं सेलुलोज की हॉवर संरचना। हॉवर संरचना में देखिए ये ग्लूकोज इकाइयां हैं जो बीटा बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है, ये एक लंबी श्रृंखला बनाती है और एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से आपस में, ये देखिए आप ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन बन रहे, जैसे एक श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई है ये श्रृंखला है। तो अर्थात एक श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर एक रस्सी जैसी संरचना बनाती है, ट्विस्टेड होता है वो, आपको आगे की आगे बात समझाता है। एक्स किरण अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सेलुलोज में जो ग्लूकोज की 3000 से अधिक इकाइयां होती है, सभी श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, श्रृंखलाएं रस्सी की तरह मोड़ी होती है और ये रस्सियां परस्पर जुड़कर रेशे बनाते हैं। पहले तो ये आपस में जुड़कर रस्सियां बनाती है और रस्सियां आपस में मिलकर फिर रेशे बनाती है। देखो इसका OH जो है वो इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, इस तरह से ये जुड़े जुड़कर रेशे बनाती है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर गौर से देखो, एक ग्लूकोज यूनिट है और एक दूसरी ग्लूकोज यूनिट है और इन दोनों ग्लूकोज यूनिट के बीच में ये दिस इज ये बीटा ग्लाइको साइडिक बॉन्ड होता है, ये बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर है, दिस इज ये अगेन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइको साइडिक बंद है से आपस में जुड़ी होती है। ये एक बिजू क्लासेस है, आपने नाम सुना होगा, खूब एडवर्टाइजमेंट आती है इसकी, शाहरुख खान इसकी एडवर्टाइज करता है, आज वहीं से उसकी साइड से मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताया। एक और संरचना बनाते हैं इसकी हॉवर्ट संरचना, ये आपके गौर से देखो सेलुलोज और उसकी स्ट्रक्चर्स को हमने बनाने की कोशिश की। ये जो रेशे हैं, ये लंबी श्रृंखला है, ये परस्पर हाइड्रोजन बॉन्डों से आपस में जुड़ी हुई थी और स्ट्रेट चेने हैं, फिर फाइबर बनाते भी एक ये स्ट्रेट चेन है, ये रेखीय रेखीय संरचना संरचना है, और ये जो बी है ये फाइबर बनाते, ये फाइबर फाइबर को हमने रेशे भी कहते हैं, रेशे बनाते हैं। इस तरह से सेलुलोज और स्टार्च को हमने पढ़ाया आपको। स्टार्च बेसिकली अल्फा बॉन्ड होने के कारण इंसानों के आंतों में इसका पाचन होता है, क्योंकि इसको अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम इंसान के आंतों में होता है। सेलुलोज का पाचन इंसानों के आंतों में नहीं होता, क्योंकि सेलुलोज में भी होती तो ग्लूकोज ही कहीं है, लेकिन वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, और चूंकि बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है जो जानवरों के आंतों में होता है, इसलिए सेलुलोज का पाचन जानवरों के आंतों के अंदर होता है। ये ग्लूकोज इकाई है, ये एक सीधा ग्लूकोज और एक उल्टा ग्लूकोज लगाया हुआ है, एक सीधा ग्लूकोज और एक उल्टा CH2OH, देखो एक CH2OH ऊपर और एक CH2OH नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से उल्टी संरचना बनाई है। इस तरह से आज हमारा ये यूनिट थर्ड खत्म होता है।
और केमिस्ट्री सेकंड का, केमिस्ट्री सेकंड यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का था, ये समाप्त हुआ, समाप्त हुआ। हम आगे दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे और आपको और जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।